कंप्यूटर दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये पांचवा टेस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्रोल बार्स कैन बी विजिबल ऑन द टेक्स्ट एरिया इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज ओवर 200%। मतलब अगर आप 200% से अधिक है तो आप टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रोल बार आप देखेंगे? दो। वैसे तो जनरली एक देखते हैं, लेकिन ऐसे आप दो देखेंगे क्योंकि एरिया बड़ा हो जाता है। व्हाट रिबन विल यू फाइंड वेयर यू कैन ऐड अ चार्ट? रिबन पर आप किस में चार्ट ऐड कर सकते हैं? तो इंसर्ट से ही आप पिक्चर और चार्ट ये सब ऐड कर सकते हैं। अगला है, व्हाट रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? तो मार्जिन बदलने के लिए आप पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। अगला है, स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? स्टेटस बार पे आपको डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, खास करके आप पेज की संख्या और वर्ड्स ये सब आप देखते हैं। अगला है, रिबन के किस भाग में प्रयोग किए जाने वाले फॉन्ट को देखा जा सकता है? तो फॉन्ट जो भी मिलते हैं ये सब आपको होम टैब में मिलते हैं। अगला है द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार से आप स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है और का प्रयोग वर्कशीट टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, कॉमन जैसे बोल्ड इटैलिक, ये दोनों आप प्रयोग करते हैं। अगला है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कुंजिया कहते हैं, इसे आप मॉडिफायर कीज कहते हैं। अगला है, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो उसका पूरा रूप कैरेक्टर होता है। अगला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सा डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो उसमें माउस लाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे विंडोज में माउस का प्रयोग। डॉस में आपका प्योरली कीबोर्ड यूज़ होता है क्योंकि वो कमांड यूज़र इंटरफेस है, या उसे आप कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है? डॉट एजू एजुकेशनल होता है। डॉट कॉम से कॉमर्शियल, जैसे कि अमेजन डॉट कॉम, स्नैपडील डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, ये सब आपके डॉट कॉम। मिलिट्री बहुत कम, ये खास करके मिलिट्री बेस पर यूज़ होता है। अगला है, जब आप एक वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते तो ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है? इसमें से आपको होम पेज, सबसे पहला पेज आपका होम पेज होता है। अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि होम पेज इज़ अ बिगेस्ट पेज, तो होम पेज बड़ा पेज नहीं होता, होम पेज छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे सारे लिंक होते हैं पेजेस के। अगला है, SMTP द मैसेज कैन बी एनी लेंथ। SMTP मैसेज के कुछ भी, मतलब मैसेज की कोई भी लेंथ नहीं हो सकता, उसकी भी एक लिमिट होता है। एक आता है कि कितने मैसेज आप जीमेल में लिख सकते, तो मैसेज लिखना वो अलग है, लेंथ की बात की जाए तो उसकी लिमिट होती है। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं कहलाता है, वो आपका कहलाता है हार्डवेयर, जिसे आप छू सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइनरी 101? बाइनरी नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 ये 1 होगा, यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो इसका हो जाएगा 1, इसका 0 और इसका 2 × 2 = 4। इस तरह से उत्तर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो इसमें सही होगा
5। अगला है, कंप्यूटर चलने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कम से कम 1 GB डेटा होल्ड कर सकता है? तो न्यूनतम 1 GB डेटा हार्ड डिस्क होता है, ये न्यूनतम बात की जा रही है, अधिकतम तो GB बहुत होता है, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट सब बहुत सारे आते हैं, लेकिन न्यूनतम 1 GB का तो हार्ड डिस्क होल्ड ही कर लेगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई वैसे बिट होता है, लेकिन उससे बड़ा निबल होता है, उसके बड़ा बाइट होता है। इस विकल्प के अनुसार आपका बाइट होगा, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपका रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण, रैम एक टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ये सब परमानेंट में आता है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट से संबंधित सिवाय सब वायरस डिटेक्शन ये जो होता है एंटीवायरस का कार्य होता है, बाकी वर्कशीट, सेल, फार्मूला ये सब आपके स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल में यूज़ किया जाता है। आपका वर्कशीट होता है एज अ इंडिविजुअल पेज, और स्प्रेड आप वर्कबुक कहते हैं कई सारे वर्कशीट का कलेक्शन को। सेल मीन्स होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, और जो वैल्यू पर इम्प्लीमेंटेशन किया था उसे आप कहते हैं फार्मूला। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज़ करेगा? आपका वैन होता है। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। वेब पेज जिसे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को कहा जाता है। वेब पेज मतलब जिससे आप वेब सर्वर ओपन करते हैं, ब्राउज़र वगैरह, वो आपका ब्राउज़र ही होता है, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, UC ब्राउज़र है, ये सब। सबसे ऑथेंटिक जो ब्राउज़र होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। द एब्रीविएशन ISP का पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब जिसके द्वारा आपको इंटरनेट मिलता है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, ये सब आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करके दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से पेश आने को अपराध में के रूप में जाना जाता है, तो वो स्पूफिंग होता है, जैसे कि आप किसी की जानकारी कलेक्ट करके उसका फिर आप मिसयूज करिए। जब पॉइंटर पर रखा जाता तो हाथ के आकार का होता है, मतलब जब कुछ हाइपरलिंक होगा, मतलब से कोई लिंक रहता तो वहाँ पे आपका एक हैंड बन जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर संक्षेप KB का सामान्य रूप क्या होता? तो KB को किलोबाइट कहते हैं। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा करता, तो उसे आप मॉडम कहते हैं। बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं, नेटवर्क से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता। शब्द का प्रयोग तब होता है जब सर्चिंग खोज के मानदंड से मैच करके वेब पेज के वापस करता, मतलब वो हिट होता है। जैसे आपने सपोज दैट Gmail खोला तो आप उसके नीचे देखेंगे 0.025 सेकंड्स में 25 लाख पेजेस दिखा रहे, मतलब कि ये इतना हिट है, इतने कम समय में आपको इतने सारे पेजेस उस नाम से दिखा देता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कंप्यूटर में। मेन मेमोरी और मैग्नेटिक स्टोरेज में अंतर है कि मेमोरी होती है और स्टोरेज होता है? मेमोरी जो होता है टेम्प्रोरी होता है, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज परमानेंट होता है।
इनमें से किस में रोम सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड होते हैं? तो मदरबोर्ड में ये सभी लगे होते हैं, रैम, रोम, सीपीयू। सीपीयू मतलब कि प्रोसेसर है, बाकी सीपीयू जो लगा रहता है जिसमें रहता है वो मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर जो एक पूरा कवच बनाया जाता है उसे कैबिनेट कहते हैं। अगला है, जो भाषा कंप्यूटर समझ सकता है और एग्जीक्यूट करा सकता है उसे कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है उसे। अगला, एक सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होता है। स्टैंडर्ड प्रोग्राम को कई अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर सर्वर पर सूचना दिखने की अनुमति प्रदान करते हैं, इन प्रोग्राम्स को कहा जाता है वेब ब्राउज़र। इलेक्ट्रिक इटैलिक कैरेक्टर रेगुलर कैरेक्टर की तुलना में टेढ़े होते हैं, तो सही बात, इटैलिक कैरेक्टर रेगुलर सिट स्लैंटेड होते हैं, मतलब टेढ़े होते हैं, झुके हुए होते हैं बाईं तरफ। मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी, ये भी सत्य है। वर्कशीट विंडो का लास्ट कॉलम XFT है, सही है। केवल टी ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, ईमेल लिमिटेड टेक्स्ट बेस्ड मैसेज नहीं होता है, आप इसमें ऑडियो वीडियो एनिमेशन टेक्स्ट फाइल सभी आप उसके साथ अटैचमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।